दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताऊंगी बहुत ही सुंदर ब्लाउज की बैक नेक डिजाइन कैसे बनाएं। सब्सक्राइब कीजिए स्टिचिंग क्लास चैनल, बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आज की वीडियो में आपको ब्लाउज की बैक नेक डिजाइन के बारे में बता रही हूँ और ये डिजाइन बहुत ही सुंदर बनने वाली है, पूरा वीडियो जरूर देखें। तो देखिए डिजाइन बनाने के लिए मैंने कुछ ये लेस लिया और देखिए ये मोती लिए हैं और कुछ तरह इस तरह की मैंने ये रिंग बनाई है, इनसे मैं डिजाइन डालूंगी। और ये रिंग कैसे बनाई है वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए ये रिंग के लिए हमको पतली डोरी बनानी है और एक थोड़ी मोटी डोरी बनानी है, और इस तरह की डोरी कैसे बनानी है इसका वीडियो मैंने अपलोड किया है। और कुछ ट्रायंगल बनाएंगे तो उसके लिए मैंने पीस कट किए हैं और एक मैंने पेपर लिया है जो कि हम डिजाइनों को पेपर पर सेट करेंगे और उसके बाद ब्लाउज में। तो देखिए अभी मैं आपको ब्लाउज का साइज़ बता देती हूँ। तो देखिए मैंने इसकी लंबाई 15 इंच ली है, तैयार में 14 इंच आएगा और जो ये साइज़ है ये हमारा 34 साइज का है। जब हम तैयार करेंगे तो ये 8.5 इंच आएगा और 2 इंच हमने ये मार्जिन लिया है और ये बोट नेक में आएगा और जो डिजाइन पड़ने वाली है वो सेंटर में पड़ेगी। और देखिए जो इसके मुड्डे लिए हैं ये मैंने 7 इंच लिए हैं और इसका शोल्डर लिया है वो मैंने 7.5 इंच लिया है। और इसी तरह मैंने ये अस्तर भी कट कर लिया, तो अस्तर को साइड में रख देते हैं और जो ये ब्लाउज है इस पर डिजाइन हम ड्रॉ करते हैं। तो देखिए डिजाइन जो ड्रॉ करने वाले हैं शोल्डर से 4 इंच ले लें और ये ऊपर हमारा बोट नेक आएगा। तो देखिए इसकी लंबाई हम 3.5 इंच ले रहे हैं, तैयार में 3 इंच रहेगा और एक हमने ये बॉक्स बना लिया है और इसमें 1.5 इंच की यहाँ पर गुलाई देनी है। तो देखिए ये हमारी बोट नेक की गुलाई होगी और जो हम सेंटर में डिजाइन डालने वाले हैं उसकी मार्किंग कर लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे 1 इंच लेंगे, जब हम इसको तैयार करेंगे तो ये 2.5 इंच के आसपास ब्रॉड हो जाएगा और इस तरह से एक बॉक्स बना लेते हैं लंबा। तो देखिए इस तरह से मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींच ली है, इस पार्ट को हम यहाँ से लेके यहाँ तक कट कर देंगे। तो देखिए मैंने ये कट कर लिया है और इसी तरह मैंने अस्तर को भी कट कर लिया है। अभी आपको सिलने का तरीका बताती हूँ। तो देखिए ब्लाउज को हम सीधा रख लेंगे और इसके ऊपर अस्तर रख लेंगे जो हमने ड्राफ्ट किया है इस तरह से, और यहाँ नेक से लेके पूरा हम नीचे तक इसको स्टिच कर लेंगे और स्टिच करने के बाद इसको पलट के फिर इसकी फिनिशिंग देंगे। और जो मैंने ये रिंग बनाई है वो आपको बता देती हूँ। तो देखिए मैंने इस तरह की रिंग बनाई है, कैसे बनाई है वो आपको बताती हूँ। तो जैसे मैंने बताया ये पतली डोली बनाई है और इसका वीडियो मैंने अपलोड किया, वो भी देख सकते हैं। तो देखिए ये 3 इंच हमको इसकी लंबाई लेनी है डोरी की। इसी तरह हम और भी डोरियाँ कट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से मैं सारी डोरियाँ कट कर लूँगी और देखिए जो ये बीच में हमने लगाई है इसके लिए भी कट करते हैं। तो इसके लिए जैसे हम नाड़ा बनाते हैं उस टाइप की आप इसमें डोरी बना सकते हैं। इसकी लंबाई हमको 1 इंच लेनी है। तो देखिए अभी डोरी को क्या करना है आपको, इस तरह से यहाँ पे स्टिच करना है हाथ से। तो देखिए जो डोरी है इसको हमने ऐसे सेट कर लिया और देखिए थ्रेड डाल लें 4 फोल्डिंग का और छोटा सुई ले लें और यहाँ पे हम इसको टाइट कर देंगे। इसको पक्का टाइट कर लें, 3-4 बार आप इसमें सिलाई डालेंगे तो ये पूरा टाइट हो जाएगा। तो देखिए जैसे ये टाइट हो जाए उसके बाद फिर एक और रिंग लें, इसको भी यहाँ पे इस तरह से स्टिच कर देंगे। जब दोनों रिंग इस तरह से स्टिच हो जाएंगी और इस डोरी को हम यहाँ से यहाँ पर निकाल के इस तरह से उल्टी तरफ से सिलाई करेंगे। तो मैं आपको इसमें बता देती हूँ, जैसे ये डोरी मैंने तैयार कर ली है तो यहाँ पे देखिए इस डोरी को मैं इस तरह से ले लूँगी, ऊपर की तरफ रख लें और इस पार्ट को हम यहाँ पे इसके नीचे से निकालेंगे। और देखिए ये भी आपको हाथ से ही सिलाई करनी है, एक यहाँ पर किनारे पर टाइट सिलाई कर देते हैं, सेम यहाँ से ही इस साइड के लिए भी निकाल देंगे। देखिए इस तरह से हो गया और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा है इसको कट कर देंगे और इसको यहीं पे जो ये बचा हुआ है यहाँ पर टाइट कर देते हैं। इसी तरह सारी रिंगें हम जॉइंट कर लेंगे। देखिए जब आप सीधी देखेंगे तो ये रिंग कुछ इस तरह से बनके तैयार हो जाएगी।
तो देखिए ये ट्रेंगल इसी तरह से जो रिंग है हमारी इस तरह से तैयार हो जाएंगी। और देखिए ट्रेंगल बनाऊंगी उसके लिए मैंने ये पीस लिया है, 2.5 इंच चौड़ा और 2.5 इंच लंबा लिया, चौकोर पीस है। और इन पीसों को हम यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर देखिए इस तरह से तो हमारा ये ट्रेंगल इस तरह से तैयार हो जाएगा। यहाँ पे हम स्टिच डाल देंगे। इसी तरह मैं बहुत सारे ट्रायंगल तैयार कर लूँगी क्योंकि दोनों साइड में हमको ये ट्रायंगल लगाने हैं। और उसके बाद फिर हमने ये पेपर लिया है तो पेपर पे हम ये डिज़ाइन सेट करेंगे और उसके बाद फिर ब्लाउज में अटैच करेंगे। तो देखिए जैसे मैंने बताया था मैंने इसको इस तरह से स्टिच कर लिया है। नीचे मैंने अस्तर रखा है, उसके ऊपर ये सीधा पार्ट है, ये उल्टा पार्ट है। रखने के बाद यहाँ से मुड्ढे से शोल्डर से हमने लिया है, शोल्डे से लेकर कमर तक पूरा स्टिच कर दिया। और अभी हम इसको पलट देते हैं। तो देखिए ये पलट भी गया है। अभी हम क्या करेंगे, इसको सिलाई डाल के किनारे से पूरा सेट कर देते हैं। तो आपको कमर में फिनिशिंग नहीं देनी है क्योंकि हमने सिलाई डाल के इसको पलट दिया। तो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक मुड्ढे तक स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए मैंने ये पीस तैयार कर लिया है। और अभी हमने जो डिज़ाइन बनाई थी, रिंग बनाई थी, उसके लिए पहले हम मार्किंग कर लेते हैं। तो हमको इसमें पेपर की सहायता लेनी है। तो देखिए मैंने पेपर ले लिया है और स्केल से हम एक लाइन स्ट्रेट खींच देते हैं इसमें, जिससे क्या ये मार्किंग रहेगी और इस पर हम अपनी डिज़ाइन सेट कर लेंगे। तो देखिए हमने पहले फर्स्ट एक ही लाइन ड्रॉ करी है, पहले एक लाइन पर स्टिच कर लेंगे, जब रिंग सेट हो जाएंगी फिर दूसरी साइड में। तो देखिए जैसे सिंगल पेपर पे मशीन नहीं चलती है, मशीन पे थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है, तो आप डबल पेपर भी ले सकते हैं। अगर आपके मशीन सिंगल पेपर पे चल जाती है तो डबल की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए अभी जो हमने ये पीस कट किए थे इसके हम पहले ट्रायंगल बनाते हैं। तो देखिए इस तरह के चौकोर पीस ले लें और यहाँ पर फोल्ड करेंगे इस तरह से और यहाँ पर सिलाई डाल देते हैं। तो देखिए मैंने ट्रायंगल बना के तैयार कर लिया है, इसी तरह मैंने सभी बना लिए हैं। और अभी हम जो हमने लाइन ड्रॉ करी है यहाँ पे हम इनको इस तरह से सेट कर लेते हैं। देखिए जो लाइन ड्रॉ कर ली है उन पे हम इस तरह से ट्रायंगल तैयार करेंगे और जो हमने रिंग बनाई थी इस रिंग को यहाँ पे इस तरह से सेट कर लें, उसी हिसाब से हमको ट्रायंगल सेट करने हैं। तो देखिए जो इसके बीचों बीच यहाँ पर हम इनको सेट करेंगे, तो अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं कितना गैप आ रहा है हमारा। तो देखिए 1 इंच से भी हमारा गैप कम आ रहा है यहाँ पे। तो इसी तरह से हम यहाँ पे इन सभी को स्टिच कर लेते हैं, पहले ट्रायंगल स्टिच कर लेते हैं उसके बाद फिर रिंग बताऊंगी कैसे आप इसमें सेट करेंगे और फिर दूसरी साइड में भी हमको ट्रायंगल लगा के सेट करना है। इसी तरह मैं पूरे पेपर पर स्टिच कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ से लेकर जितना हमारा ब्लाउज का नेक है जो कट किया था बोट नेक से नीचे तक, उस तरीके की लंबाई में मैंने स्टिच कर लिया है। अभी जो रिंग है तो यहाँ पे हम रिंग सेट करेंगे। तो देखिए एक रिंग मैंने ऊपर की तरफ छोड़ दिया है और यहाँ पर पहले हम इसको अपनी तरफ ले लेते हैं। तो देखिए जो हमारा ये ट्रायंगल है इसके हम यहाँ से धागा निकालते हैं, जो ये हमने स्टार्ट किया है यहाँ पे इसको अंदर की तरफ दबा के स्टिच कर देते हैं। तो देखिए ये हमने सेट कर लिया। अभी हम एक मोती लेंगे, आप अपने कोई भी कलर का ले सकते हैं मैचिंग के अनुसार, मैं इसमें गोल्ड यूज कर रही हूँ। तो देखिए जो रिंग है इसके बीचों बीच हमें इसमें मोती लगाने वाले हैं, तो बीचों बीच यहाँ पर सिलाई ले लेते हैं। तो आपका जो कलर आप रिंग बनाइए वही कलर धागा यूज करेंगे तो सिलाई हमारी दिखेगी नहीं। देखिए हमने यहाँ पर ले लिया और फिर से हम इसके मोती के अंदर से निकालेंगे। तो देखिए ये रिंग हमारी इस तरह से सेट होगी और पेपर में आपको सिलाई लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रिंग में जो ट्रायंगल और रिंग है उसी में सिलाई लगानी है क्योंकि पेपर तो हम निकाल देंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर टाइट कर देती हूँ और इसी तरह से हम ये सारी रिंग में मोती लगा के एक साइड में पहले सेट करते हैं फिर दूसरी साइड में लगाएंगे। तो देखिए मैंने वन साइड में इस तरह से मोती पूरा अटैच कर दिए हैं। अभी हम दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे इस तरह से सेट करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे तो अभी यहाँ का मेजरमेंट लेके फिर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने ये स्टिच किया है, ये 1.25 इंच के आसपास हमारा बाहर की तरफ रहेगा ये डिज़ाइन जो है, और बाकी का हमारा अंदर चला जाएगा। तो इसी हिसाब से हम यहाँ पर इस तरह से मार्किंग कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं। तो 1 इंच पर यहाँ पर मार्किंग करते हैं, 1 इंच से लेके पूरा एक स्ट्रेट लाइन खींच लेते हैं। सेम यहाँ पे भी 1 इंच ले लेते हैं।
तो देखिए हमने मार्किंग कर लिया है और इस डिज़ाइन को हम यहाँ पे इस तरह से सेट करते हुए जैसे हमने यहाँ पे सेट किया है इस तरह से स्टिच डाल देते हैं और बाद में फिर यहाँ पर भी इसी तरह से हमको मोती लगाने हैं। देखिए जैसे मैंने इस साइड में मोती लगाए थे, जैसे मार्किंग की थी उस पर मैंने ट्रेंगल तैयार कर लिए और सेम जिस साइड में मैंने मोती लगाए थे उसी तरह इसर भी सारे मोती मैंने अटैच कर दिए हैं और अभी हम इसको ब्लाउज में अटैच करते हैं। तो देखिए हमारे दोनों साइड के पीस तैयार हो चुके हैं। देखिए ये डिज़ाइन हमारी यहाँ पर इस तरह से आएगी। तो इन पीसों को हम यहाँ पर इस तरह से सेट कर लेते हैं। इस तरह से हमने सेट कर लिया है यहाँ पर और सेम अभी हम स्टिच डाल देते हैं। जो नीचे वाला है इसको थोड़ा सा फोल्ड कर देंगे। तो देखिए मैंने वन साइड स्टिच कर दिया है और इसी तरह मैं इस साइड भी स्टिच कर देती हूँ। तो इस साइड में मैंने स्टिच कर लिया है और अभी हम लेस लगाते हैं। तो देखिए जो लेस है हम यहाँ से ऊपर का जो नेक है यहाँ से लेके और देखिए यहाँ तक लगाएंगे और इसी तरह से दूसरी साइड में। तो देखिए लेस मैंने ऊपर के नेक से लेके यहाँ तक स्टिच कर दी है, सेम इधर भी कर दूंगी। अभी हम इस पेपर को निकाल लेते हैं। तो देखिए जब हम पेपर को निकाल देंगे तो हमारी ये डिज़ाइन इस तरह से सेट हो जाएंगी। देखिए मैंने दोनों साइडों में इस तरह से लेस भी लगा दी है और आप देख सकते हैं कितना सुंदर लुक आ रहा है। तो आप इस आसान तरीके से सुंदर सी ब्लाउज की बैक नेक डिज़ाइन बना सकते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।